मेवात जिले में भूमि विवाद को लेकर चली दो गुटों में जमकर गोली, एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि मेवात जिले के नहदा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें 35 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई, तो वहीं दोनों गुटों में करीब आधा दर्जन लोग गोली व लाठी डंडा लगने से गंभीर रूप से घायल हैं। बिछोर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेवात जिले के नहदा गांव में आजाद व रस्सी दोनों चचेरे भाइयों में एक प्लाट पर मकान बनाने को लेकर शनिवार को झगड़ा हो गया। झगड़े में लाठी, पत्थरबाजी इत्यादि फायरिंग हुई। झगड़े में एक पक्ष के आजाद की पेट में गोली लगने से मौके पर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि दोनों तरफ से आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज राजकीय सईद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ में किया जा रहा है। बिछोर थाना प्रभारी रमेश चंद ने बताया कि झगड़े की शिकायत मिली, जिसके बाद पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। मृतक युवक का पोस्टमार्टम के लिए माढ़ीखेड़ा अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कार्रवाई में जुटी हुई है, मामले की जाँच में जुटी है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। झगड़े के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं कोई भी गांव में अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मृतक का क्या नाम है, कितनी उम्र उसकी है और किस तरह से ये झगड़ा जो हुआ था, क्या था पूरा मामला सर? मेरा नाम सुखदीन है जी, मृतक का नाम आज़ाद है और थोड़ा ज़मीन का विवाद था। इतनी कड़ी कोई बड़ी बात भी नहीं, खाली बंटवारा था भाई, इसे ले ले चाहे इसे ले ले। पहले भी बंटवारा हुआ फड़ता 25 साल से, अब वो दोबारा से फिर मतलब दिक्कत कर रहा था, फिर भी उससे कह दिया गया था कि भाई अपने कर ले जो कुछ तुझे लेना हो। लेकिन यह कहने लगा कि जहाँ में मकान बने हम तो इसे को लेंगे, जो मकान कैसे थोड़ा, जहाँ भाई अब दिया ले मकान कीमत दे दे। आखिर उसने कहा तो मैं देखूँगा, तुम आ जाओ। उसका रास्ते पर घर पड़ता है जंगल से, जैसे मतलब वहाँ से आए तो रास्ते में मतलब जो है घात लगा था, अपने घर में बैठ गया पूरा परिवार के साथ और बंदूक फरसा लाठी डंडों से एकदम हमला कर दिया और मृतक के छाती पर 3 गोलियाँ चलाई, जिससे मौके पर ही आके उसकी मौत हो गई। तो सर इसमें कोई घायल भी हुए हैं? हाँ जी, 2 आदमी या और घायल हुए हैं, जिनके सर पे के हड्डी क्रेक है, जिनके फरसा से मतलब जो वार किया गया, जो सामने माथा की हड्डी है उसको क्रेक हो गई इसके, इसलिए वो ज़्यादा सीरियस है। एक के पे और दूसरा है जो उसके भी सर में चोट है, वो अभी उसको उनका इलाज चल रहा है। क्या क्या नाम है जी घायलों का और कहाँ पर इलाज चल रहा है? तो ये तो नलहड़ मेडिकल में ही चल रहा है जी इलाज। नाम है एक का तो सलाम है अब्दुल सलाम, एक कारी। क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? हम इसमें न्याय चाहते हैं और ऐसा आदमी को फांसी। मुकदमा दर्ज कर लिया 10 आदमी के खिलाफ। क्या चाहते हैं जी? इंसाफ चाहते हैं सर। वाला का आजाद है और एक अब्दुल सलाम है, एक आरिफ है, तो ये 2 घायल है सीरियस है।